हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कृतिका और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कृतिका में स्वागत है। तो आज हम लोग ओरियो मिल्क शेक बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए हम लोगों ने एक ग्लास दूध लिया है, 5 ओरियो बिस्किट्स लिए है और 4-5 आइस क्यूब लिए है। और इसके लिए हम लोग चॉकलेट सिरप का भी यूज करने वाले है। तो सबसे पहले हम लोग चॉकलेट सिरप बना लेते हैं। तो चॉकलेट सिरप बनाने के लिए मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है और 2 कैडबरी ली है। तो यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है, इसमें अभी हम लोग थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं। दूध गरम हो चुका है, अभी हम लोग इसमें कैडबरी ऐड कर देते हैं। कैडबरी को हम लोगों को दूध के साथ मेल्ट कर देना है। अभी हम लोग इसमें बचा हुआ दूध ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चॉकलेट सिरप बना लिया है, अभी हम लोग आगे की प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं, यानी कि ओरियो मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। मिक्सर के जार में अभी हम लोग 1 ग्लास दूध ऐड कर देते हैं, बिस्किट्स ऐड कर देते हैं। हम लोगों ने जो चॉकलेट सिरप बनाया था वो 1 चम्मच ऐड कर देते हैं और 2 आइस क्यूब लिए थे वो ऐड कर देते हैं। और इसको अभी हम लोग मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अभी इसको हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो दोस्तों, अभी हमारा यहाँ पे ओरियो मिल्क शेक बनके रेडी है। इसको अभी हम लोग ग्लास में सर्व करते हैं। अभी ग्लास में हम लोग 2 आइस क्यूब ऐड कर देते हैं और जो हम लोगों ने ओरियो मिल्क शेक बनाया है वो सर्व करते हैं। ओरियो मिल्क शेक को हम लोगों ने ग्लास में सर्व कर लिया है। अभी इसको गार्निश करने के लिए हम लोग 1 चम्मच चॉकलेट सिरप ऐड कर देते हैं और 1 चम्मच चॉकलेट सिरप ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओरियो मिल्क शेक बनके रेडी है। बहुत ही कम समय में ये रेसिपी बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।